नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताती हूं और उसको सोच के आपको जरूर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर, आप ये सोचिए, अभी तक वोटर टर्नआउट यानी कि कितने वोटर्स ने वोट डाला था, जो उसका परसेंटेज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिलता है, वो अभी तक नहीं डाला है। इस खबर को वायर ने किया है और उसमें ये बताया गया है कि एक बिजनेस लाइन नाम की एक वेबसाइट है जिससे कि बात किया गया था और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा था। तो आपको ये बता दें कि 19 अप्रैल को पहला चरण था चुनाव का, उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरा चरण था। पहले चरण में जो अनुमानित वोटर टर्नआउट है, अनुमानित, ये एग्जैक्ट वोटर टर्नआउट नहीं है, वो अभी तक छपा नहीं है, और जो अनुमानित 60% है वो छपा हुआ है। उसी तरह से 26 अप्रैल को अनुमानित वोटर टर्नआउट 60% है और ये छपा हुआ है 60 point something, और अनुमानित है, छपा हुआ एग्जैक्ट वोटर टर्नआउट नहीं है। लेकिन बिजनेस लाइन ने कुछ इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से बात की तो किसी ने कहा कि नहीं, 66% है, किसी ने बोला 67% है, लेकिन ये डेटा अभी तक नहीं आया है। 26 अप्रैल को दूसरा चरण था और आज अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या 4 दिन में ये वोटर टर्नआउट का डेटा क्यों नहीं छापा गया? और सिर्फ यही डेटा नहीं है, एक और बहुत महत्वपूर्ण डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट से गायब है, और वो डेटा है जो संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या होती है। कि आपको अगर जैसे पता करना है कि उड़ीसा में अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या क्या है, तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप उस पेज को खोलने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एक एरर मार्जिन आ जाता है, एरर पेज आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लो वोटर टर्नआउट हुआ है इस बार, कम लोगों ने मतदान किया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन डर गया है, या फिर इलेक्शन कमीशन को केंद्र सरकार ने निर्देश दिए कि भाई आप वोटर टर्नआउट का डेटा छापिए ही मत, बिल्कुल आप ढक मूंद कर रखिए जितने दिन तक आप रख सकते हैं, और या तो फिर केंद्र सरकार ने यह कहा है कि भाई आपको छापने की जरूरत ही क्या है, जब वो लो वोटर टर्नआउट है, लोग तमाम तरीके की खबरें निकालेंगे, जैसे आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और हम छानबीन भी करने की कोशिश करेंगे। तो इस समय हमारे साथ इसी स्टोरी पर महमूद प्राचा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, ईवीएम्स के खिलाफ वो कैंपेन भी चला रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लेकिन आज ईवीएम और बैलेट पेपर पर बात ना करके इस चुनाव आयोग पर बात करने की जरूरत है कि ये चुनाव आयोग का कन्वेंशनल काम है, ट्रेडिशनल काम है कि जब भी वोटिंग खत्म हो जाती है तो जो एग्जैक्ट वोटर टर्नआउट है, हो सकता है कि उस दिन ना मिले लेकिन हमेशा अगले दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक वो वोटर टर्नआउट का डेटा आ जाता है। लेकिन इस बार 2024 में तो अजूबा हो गया है, वोटर टर्नआउट का परसेंटेज 4 दिन बाद भी नहीं आया है और जो संसदीय क्षेत्र में कितने मतदाता हैं उस डेटा को भी गायब कर दिया गया है। इस समय हमारे साथ महमूद प्राचा जुड़े हुए हैं। महमूद प्राचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच महमूद फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन जो मेरा पहला सवाल है चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ, कि चुनाव आयोग ने 4 दिन बाद भी, 26 अप्रैल को दूसरा चरण था चुनाव का, और अगर अभी तक वोटर टर्नआउट का डेटा उन्होंने नहीं छापा है, ये किस बात का संकेत है आपके हिसाब से? आप तो चुनाव आयोग को कुछ ज्यादा ही उनका एक्सरे करते हैं, बोलिए। मैं तो एक्सरे करता ही हूँ, लेकिन जो हमारे दूसरे मित्र हैं, जो हम लोगों की साथ साथ बहुत दिन तक इस आंदोलन में रह के चुनाव आयोग जो है मोदी जी और अमित शाह जी के साथ, बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलके चुनाव में धांधली और गड़बड़ी कर रहा है, मैं उन मित्रों से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ पहला पैराग्राफ, उन मित्रों से गुजारिश करूंगा कि चोर को चोर कहना शुरू करें कम से कम। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो ईवीएम की जजमेंट थी वो पढ़ के सुना रहा हूँ। एट द आउटसेट वी टेक ऑन रिकॉर्ड दैट द काउंसिल फॉर पिटिशनर्स इन यूनिसन हैव स्टेटेड दैट पिटिशनर्स डू नॉट एट्रीब्यूट एनी मोटिव और मैलिस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और फॉर दैट मैटर contend that the electronic voting machines have been tutored or configured to favor or disfavor a candidate or a political party. इसको जरा हमारे सारे मित्र rethink करें कि चुनाव आयोग चोरी नहीं डकैती कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं, हमारी petition इसलिए अलग होगी बाकी सबसे, हम ये कह रहे हैं चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है और मोदी जी और अमित शाह के कहने पे कर रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चोरी बेईमानी कर रहा है, जो कि उसकी संवैधानिक ड्यूटी के खिलाफ जा रहा है, और उसकी मैं वजह, आपने एक्सरे बताया ना,
हाँ नहीं नहीं आपने ये बात पहले भी हमारे जो इंटरव्यूज है, कई आपने इंटरव्यूज दिए उसमें आपने कहा है कि देखिए ये चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, डकैती कर रहा है, ये सारी बातें हो गई। लेकिन आज की जो आज का जो मुद्दा है मैं जिस पर बात करना चाह रही हूँ, वोटर टर्नआउट का डेटा 4 दिन बाद भी अगर नहीं छापा गया है तो ये किस बात का संकेत है? ठीक, बेईमानी का, वही मैं आपका प्रावधान पढ़ के सुना रहा हूँ। ओके देखिए, सबसे पहले तो जो ये 1989 में जो फ्रॉड की मशीनें इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद एक कानून आया था 2000 से, ये सब जो है ये मशीनें फ्रॉडुलेंट मशीनें यूज हो रही हैं 2000 से साल से। तो उसी प्रावधान में जो रूल 49 है ना, उसमें ए से लेकर एक्स तक, पर एक्स आपने एक्सरे कहा था ना इसलिए मैं बता रहा हूं, 49A to 49X रूल्स एड किए गए थे रूल 49 में, और उसके हिसाब से ये धांधली वाली मशीनें इंट्रोड्यूस हुई थी। अब ये जो ये है ना 49T मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, 49S रूल 49S, ये कहता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एट द क्लोज ऑफ पोल ऑफ द पोल प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C एंड एनक्लोज इन इट्स सेपरेट कवर with the words account of votes recorded super subscribed thereon the presiding officer shall furnish to every polling agent present at the close of poll a true copy of entries made in form 17c after obtaining a receipt from the said polling agent therefore and shall attest it as true copy। Mehmood, ye kya RP act mein hai? आरपी एक्ट का हिस्सा है क्या ये? आरपी एक्ट के रूल्स में है। आरपीए एक्ट जो है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत रूल्स बने थे, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, और वो 1961 के जो रूल्स थे वो अमेंड हुए थे ये ईवीएम की जो फ्रॉडुलेंट मशीन है इसको किसी तरीके से घुसाने के लिए, थोपने के लिए, उसका 49S मैं पढ़ रहा हूँ, रूल 49S। वो ये कहता है, आम आदमी को मैं समझाने के लिए बोलूं कि जैसे ही पोलिंग 5 बजे या 6 बजे खत्म होगी किसी पोलिंग बूथ पे, हर एक पोलिंग बूथ पे, किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर किसी असेंबली के या पार्लियामेंट्री सीट के एक ही होते हैं, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स होंगे, पोलिंग ऑफिसर्स होंगे ना, वो हर एक बूथ पर टोटल वोट्स पोल्ड की लिस्ट बनाएंगे, और जो पोलिटिकल पार्टीज के और जो कैंडिडेट्स होंगे ना उनको सर्टिफिकेट देंगे एक 17C का कि इतने वोट पोल्ड हो गए, मतलब उस रात तक, उसके अगले 1 घंटे तक चुनाव आयोग को ये पता लग जाता है कि कितने वोट एक-एक बूथ में पोल्ड हुए हैं, और उसका सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के एजेंट्स को भी मिल जाता है। अब उसके बाद भी अगर 19 अप्रैल के चुनाव के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे नहीं डाले, जो कि ट्रेडिशनली डालता रहा है, तो मैं इस इलेक्शन कमीशन को ईमानदार मानने से इनकार करता हूं, इसको बेईमान कहने पे मजबूर हूं मैं। नहीं, लेकिन चाचा साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत बढ़िया किया कि आपने वो रूल भी बता दिया कि जिसके तहत वोट्स पोल्ड को लिखना पड़ेगा और उसको लेकर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये मुझे लगता है जब जनता आपका ये इंटरव्यू देखेगी तो बहुत अच्छे से समझ जाएगी। ये तो रूल की बात हो गई, लेकिन जो आप, तो नहीं, अपने मित्रों को समझा रही हूं जो चुनाव आयोग को ईमानदार कह रहे हैं, वो बेईमान चुनाव आयोग है जी। नहीं नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल है कि आपने कहा कि ये बेईमान राजीव कुमार का आयोग जो है, अगर ये वोट्स पोल्ड का परसेंटेज अभी तक नहीं डाल पाया है, 19 अप्रैल से आज 30 अप्रैल हो चुकी है, और अगर वो लोग नहीं डाल पाए हैं तो इसके पीछे की मंशा मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, बेईमानी है, बेईमानी की उन्होंने, लेकिन मंशा क्या है? क्या हम ये समझे कि केंद्र सरकार को निर्देशन दिया? जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, राजीव कुमार जी और उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से मोदी जी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि आएगा तो मोदी भाई, अगर ईमानदार हैं तो वो क्यों नहीं इसको करते हैं? अब आप कोई भी अंदाजा लगाइए ना, जब चुनाव आयोग का प्रमुख जिम्मेदारी ये है कि ये जनता को बताए कि हम निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रहे हैं, तो वो कोई ईमानदार चुनाव अधिकारी कैसे हो सकता है जो इस डाटा को छुपा रहा है? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जब वो बेईमानी है तो बेईमानी करने की वजह तो कोई FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन नहीं पता लगती है ना। मैं कोई बागेश्वर धाम का शास्त्री तो हूं नहीं,
जो चिट्ठी लिख के या चिट्ठी पढ़ के, या मुझे कोई ऐसी शक्तियां भी नहीं आती कि किस वजह से बेईमानी कर रहे हैं, किस डर से कर रहे हैं, किस लालच में कर रहे हैं, या मोदी जी को वो भी मान बैठे हैं आएगा तो वही, तो हम भी उसकी मदद करें, कैसे कर सकते हैं कि आएगा तो मोदी ही, पब्लिक वोट दे ना दे आएगा तो मोदी ही। महमूद मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन का कौन सा काम सिद्ध होता है अगर वो वोटर टर्नआउट का डेटा नहीं छापते, या फिर जो संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या का डेटा है वो भी अगर नहीं डालते, उसके पीछे की भी तो वजह क्या है, क्या उनको क्या हासिल हो रहा है चुनाव में, उसका क्या मिल रहा है उसका मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ। जैसे हमारे चीफ जस्टिस थे गोगोई साहब, उनको राज्यसभा मिल गई, रिटायर होने के बाद जो पदों का जो एक लालच होता है वो, और दूसरा प्रधानमंत्री जी जो कि आएंगे ही, आएगा तो मोदी, ये नारे लग रहे हैं जब, तो जिसने आना ही है तो उसकी गुड बुक में रहने का भी एक वो हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि शीशा शायद राजीव कुमार जी उतना साफ नहीं करते सुबह देखते हुए जितना जो हमारे गोयल साहब थे उन्होंने किया था, शीशा नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसकी ये सब तो अंदाजा ही है ना, अंदाजा ही लगा सकता हूं मैं, लेकिन इसकी मैं क्योंकि वकील हूं इसकी छानबीन होनी चाहिए। ये देखिए हम लोग इस हद तक, हमारे जो संविधान की रक्षा करने का जो जिम्मेदारी है ना सबकी, इस हद तक कमजोर हो गई है कि इतना बड़ा अपराध चुनाव आयोग कर रहा है, खुले आम कर रहा है, और जनता सड़कों पर नहीं आ रही है। तो इसकी मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूं उन लोगों की जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष कहने की जुर्रत कर रहे हैं। जो लोग आरएसएस और बीजेपी के हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, वो तो सब एक ही वोट में हैं, वो तो आएगा तो मोदी ही, पब्लिक वोट खिलाफ दे तब भी मोदी आएगा, वो तो इस काम पे लगे हुए। लेकिन हमारे अपने जो हैं वो चुनाव आयोग को किस मुंह से निष्पक्ष कह सकते हैं, मेरी उनसे शिकायत है। अब तो कम से कम सड़कों पर आके लोगों को बोलना चाहिए चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। महमूद ये तो खुले आम धांधलेबाजी चुनाव आयोग कर रहा है, इस पे कोर्ट्स क्यों नहीं संज्ञान लेते? कोर्ट्स ने ठीक है अपना ईवीएम पे फैसला सुना दिया, लेकिन अब तो आग चेत जाए, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल का डेटा वोटर टर्नआउट का अगर गायब है, नहीं छपा है वो, मतदाताओं की संख्या अगर नहीं छपी है, तो क्या ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रही है? हम जन जो आंदोलन है हम उसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्या अचानक से जनता उस सड़क पर आ जाएगी, अचानक से ये हो जाएगा? ये तो किसी भी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में टाइम लगता है, लेकिन कोर्ट्स तो तुरंत संज्ञान ले सकते हैं ना इस पे। कोर्ट्स ने तो कह दिया कि हम चुनाव आयोग एक बॉडी है, हम उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। यही तो क्रिटिसिज्म हम उस जजमेंट का कर रहे हैं कि भले ही हमारे खुद के वकीलों ने ऐसा बोल दिया, कोर्ट तो वकीलों से भी ऊपर है ना, दोनों पक्ष के वकीलों से ऊपर है, उसे तो न्याय करना है, उसे तो देखना था ना कि किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है चुनाव आयोग। कैसे विश्वास कर ले ऐसे चुनाव आयोग पे जो ऐसी ऐसी काम कर रहा है, कैसे विश्वास कर ले एक नागरिक? और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना, अब उन्हें क्या अपनी जजमेंट को इन सबूतों के आधार पर रिकंसिडर नहीं करना चाहिए, रिव्यू नहीं करना चाहिए? किसी रिव्यू एप्लीकेशन की दर उम्मीद और इंतजार क्यों करना चाहिए? चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे सुरक्षित जगह है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सबसे प्रोटेक्टेड लोग हैं देश में। मैं मान सकता हूं कि हमारे वकील उतने प्रोटेक्टेड नहीं है, नहीं लेकिन क्या ये इस बात का भी संकेत नहीं है कि सरकार डर गई है इस लो वोटर टर्नआउट से, इसीलिए उसने शायद इलेक्शन कमीशन को ये निर्देशन दे दिया हो कि भाई वो मत छापो वरना मीडिया तुरंत अलग अलग तरीके की स्टोरी बना लेगा? क्योंकि जैसे मैंने स्टोरी देखी मैंने सोचा आपको कॉल किया जाए और इंटरव्यू किया जाए, तो क्या इस डर से वोटर टर्नआउट का डेटा नहीं छप रहा है? जी महमूद, नहीं सवाल ये है कि मोदी जी तो अपनी विशलिस्ट कुछ भी बता दें, लेकिन चुनाव आयोग तो धारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की 324 है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जिक्र किया अपनी जजमेंट में, वो तो मोदी जी का आदेश लेने के लिए नहीं बैठा है ना। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बैठा है, संवैधानिक ताकत है उसके पास, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक संवैधानिक शक्ति रखने वाले के ऊपर हम कैसे अपना फैसला दे दें? तो वो संवैधानिक व्यक्ति जो संस्था है अगर उसके अधिकारी बेईमानी पे उतर आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट तमाशा देखेगा? ये एक सवाल है जो जनता के मन में आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा है, मेरे मन में भी आ रहा है कि अब इसके बाद क्यों नहीं रिव्यू करते जजमेंट? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो धारा 32 की पावर है उनके पास, 141 142 की पावर है। अब जब ये साबित कर रहे हैं आप जैसे ईमानदार पत्रकार हो कि तब क्यों नहीं संज्ञान लेते स्वतः संज्ञान?
इतना बड़ा अन्याय हो गया है तो धांधली धांधली हर जगह धांधली। आप इस इंटरव्यू को उठाकर जो आज हम ये इंटरव्यू न्यूज लॉन्चर पर कर रहे हैं, आप इसका हवाला देकर क्या आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार नहीं लगा सकते कि भाई अब आप खोल लो, ये देख लो कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। उनकी वेबसाइट का पेज भी दिखा देते हैं, वो एरर पेज पर आ जाता है। जैसे ही हम मतदाताओं की संख्या अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में उसको खोलने की कोशिश करते हैं, वो एरर बताने लगता है। तो ये तो नॉर्मल नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ना दिखे, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वोटर टर्नआउट ना पता चले। 24 घंटे 48 घंटे भी लेट हुआ है मुझे याद है, लेकिन 4 दिन 10 दिन ये तो बात हजम नहीं हो रही है किसी को। देखिए आप खुद ही अपने सवाल में जवाब भी बता रही हैं अम्मा। एरर का क्या मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग आप बताइए। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब कि गलती है, गलत। और क्या चुनाव आयोग और कैसे बताए आपको कि हम गलती कर रहे हैं, आप बताइए। मतलब आप चुनाव आयोग से इतना स्पष्टवादी चुनाव आयोग हो सकता है कोई कि हम गलती कर रहे हैं? खुद तो बता रहे हैं, उनकी वेबसाइट बता रही है हम गलती कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप? ईमानदार चुनाव आयोग का एक ही सबूत है, उन्होंने खुद बता दिया हम गलती कर रहे हैं, और हम गलती करते रहेंगे। आपसे रोका जाए तो रोक लो, कैसे बताए बेचारे को? और हो सकता है उनको भी अब जो मुझे आप ये बताइए, तो रामपुर से भी चुनाव लड़ा था बतौर इंडिपेंडेंट, आपको क्या उत्सुकता नहीं हो रही कि भाई हमारा वोटर टर्नआउट तो पता चले कितना था? आपको क्या सर्टिफिकेट मिला? क्या आपको चुनाव आयोग ने बताया? मैं आपको ये फॉर्म 670 मतलब निकाल के बैठा हूँ, आपकी जो दर्शक है देख ले, ये फॉर्म 70 तो भरना होता है तुरंत वहां पे पोलिंग एजेंट्स को। ये तो भरे बगैर हो ही नहीं सकता ना, किसी कैंडिडेट को नहीं दिया उन्होंने, किसी कैंडिडेट के ये उनकी जिम्मेदारी होती है जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। या ही नहीं है। और वो पोलिंग ऑफिसर्स हमने वीडियो बनाई है नीलू जी। हाँ नीलू जी, हमने तो वीडियो बनाई है ना इस बात की कि जब वो अपने पोलिंग स्टेशन छोड़ के रात को वहां पे आ गए जहां पे उन्हें मशीनें डिपॉजिट करानी थी चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तब वो बैठ के रिकॉर्ड भर रहे थे। वहां तो उन्होंने दिया ही नहीं ना किसी को कुछ भी। तो चुनाव आयोग और कैसे बताए आपको कि हम गलती कर रहे हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमें माफ कर दो, क्योंकि आएगा तो मोदी करना है हमें, ये और कैसे बताएं वो आपको? अपनी वेबसाइट पे लिख के दे रहे हैं एरर। अब बताइए आप मुझे, लेकिन ईमानदारी गंभीर नहीं, नहीं काफी गंभीर मुद्दा है, हम लोग उसको लाइटर टोन में बात कर, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या करें चीज अगर एक के बाद एक हादसा रोज हो रहा है हमारी जिंदगी में, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी तमाशा देख रही है सारी बैठ के, वो सभी क्या कह बैठे कि आएगा तो मोदी, हम वोट ही तो ले पाएंगे। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज से जो हमारी नाराजगी है वो ये है, पब्लिक उन्हें जिताना चाहती है, दे आर स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। जनता खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन कम से कम सड़कों पे आके प्रोटेस्ट तो करें। पुलिस के अधिकारी जिनका काम ये होता है कि वो वोटर्स की सुरक्षा करके उनको वोट लगाने लाए, वो मार मार के रामपुर में और दूसरी जगह पे वोटर्स को भगा रहे हैं। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वोटर लिस्ट को घरों पे पहुंचाए लोगों के, आपकी वोट की पर्ची ये है, आप आओ वोट डालो। चुनाव आयोग हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है कि वोटर वोटिंग परसेंटेज बढ़े। क्या चुनाव आयोग ने आपसे हमसे माफी मांगी कि हमने इतना पैसा खर्च किया था फिर भी वोटर परसेंटेज गिर रही है? क्यों? क्योंकि हमने ये फ्रॉडुलेंट मशीनें इस्तेमाल की हैं, और वो मशीनों में भी हमारी मजबूरी यह है कि जो फ्रॉड हो सकता है वो 20% तक हो सकता है, तो जनता की वोट परसेंटेज कम करने की भी जिम्मेदारी हमारी है ना, तभी तो आएगा मोदी। अगर वोट परसेंटेज भी बढ़ गई किसी तरीके से, मारपीट के वोट परसेंटेज रोकनी है तो कि वो आएगा तो मोदी, नहीं तो फेल हो जाएगा तो मोदी, आने में फेलियर नहीं देख सकते। तो जितनी धांधली गड़बड़ घोटाला जो कर सकते हैं, लूट मचा रखी है। हमारी शिकायत पॉलिटिकल पार्टी से है कि वो आके चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों के साथ प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे। हम लोग 10 तारीख के आसपास एक बड़ा प्रोटेस्ट इन सभी धांधलियों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फिर करने वाले हैं। हम गुजारिश करते हैं फिर पॉलिटिकल पार्टी से कि आप जनता के वोट, जनता आपको खुद आके दे रही है, आप मांगो या ना मांगो, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी और मोदी को हटाना है। आप कम से कम जनता का इस काम में तो सहयोग करो, उनके साथ खड़े तो रहो,
ताकि वो वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके डाल के आप लोगों को जिता सके, और जाएगा तो मोदी, मोदी ही जाएगा, उसको इंश्योर कर सके। तो आपने आज नया नारा दे दिया है कि आएगा मोदी का जो नारा है वो चुनाव आयोग का है, लेकिन महमूद प्राचा का नारा है जाएगा मोदी। देश की जनता का है, मेरा नहीं है, मैं तो एक वोटर हूं। जाएगा तो मोदी ही, ये जनता कह रही है, बाकी सब लोग तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी जी। अब आखिरी सवाल, ईमानदारी से आ नहीं सकता ये भी कह रहे हैं सब, इसीलिए हम बेईमानी करेंगे, इसीलिए मिस्टेक्स करेंगे, इसीलिए बेईमानी करेंगे, क्योंकि ईमानदारी से आएगा तो मोदी हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो बेईमानी का साफ सबूत है, ये इस बात का भी सबूत है कि इलेक्शन कमीशन कोई भी कानूनी तरीके से कोई भी काम नहीं कर रहा है, और इसी की वजह है कि वोटर टर्नआउट 19 अप्रैल का, 26 अप्रैल का अनुमानित वोटर टर्नआउट आपको वेबसाइट पे दिखता है, लेकिन एग्जैक्ट वोटर टर्नआउट नहीं छपा है। इसके अलावा एक और डेटा को जानबूझकर जो छुपाया गया है तथाकथित रूप से, और वो है हर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या का डेटा। अब लास्ट में आपसे महमूद, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन से क्या कहेंगे, और अगर ये स्टोरी अभी और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने का मतलब यह है कि आगे के फेजेस का भी वोटर टर्नआउट हमें नहीं मिलेगा, हमें आगे के फेजेस का भी मतदाताओं की संख्या अगर हमें नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो यही सलाह दे सकते हैं, और हर एक देश की संवैधानिक पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को भी, और जो जो नहीं भी बैठा है संवैधानिक पोस्ट पे, सब स्टैचुटरी पोस्ट पे भी बैठे हुए, उनको यही कह सकते हैं कि देश के संविधान की शपथ लेके आप सब बैठे हो, देश के संविधान और कानून से ऊपर कुछ नहीं है। कोई मोदी, कोई भी मोदी जी, कोई अमित शाह जी, कोई मोहन भागवत जी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। आप संविधान की सुनो, जो संविधान कहता है वो करो, जो कानून कहता है वो करो, वरना जेल जाओगे आप सब लोग, छोड़ेंगे हम भी नहीं। ये हम यही मैसेज दे रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा, और आप कानून तोड़ रहे हैं इस वक्त, ये आप देख लें। हर कानून का हर प्रावधान, रामपुर में तो हमने सारे सबूत जुटा लिए हैं, और दूसरे देश में भी जहां जहां चुनाव के जो कैंडिडेट्स हैं मजबूत है ना, वो आपके खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं। आपके पास जो इतने सबूत आ जाएंगे देश की जनता के पास कि आप कानून तोड़ रहे हैं, आप संविधान तोड़ रहे हैं, तो उस दिन से आप लोग डरो जब जनता आपसे सवाल पूछेगी, जब अदालतें आपसे सवाल पूछें, तब आप जवाब नहीं दे पाओ। यही मेरा कहना है। और एक और बात देख लीजिए, ये जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, ये डेटा फज करने में और डेटा छुपाने में माहिर है, ये तो पैराडाइम ही चेंज कर देते हैं। ये तो अगर किसी एक प्रकार के जो डेटा कलेक्ट करने की जो तरीका है, अगर उससे इनकी चोरी और बेईमानी पकड़ी जाती है तो वो फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। ये तो ये ऐसे प्रधानमंत्री साहब हैं जो आज वो कोविड वैक्सीन की जो वो है ना, वो लंदन की एक खबर छप रही है, उन्होंने माना है कि इसमें एक जो खराबी थी इस वैक्सीन में, कोवैक्सीन में, वो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तस्वीरें लगा के हर एक को सर्टिफिकेट दिलवाए थे जबरदस्ती, जैसे मशीनें ठूस रहे हैं गले में वैसे ही वैक्सीन भी ठूसी थी, आधार पूनावाना से फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के माध्यम से बड़ी मोटी रकम भी ली थी बीजेपी ने, तो वो आप साफ निकल के आ गया है कि उस वैक्सीन के साथ आपने हार्ट अटैक और उस दूसरी तरह की बीमारियां भी हमारे गले में ठूसी थी सबके, जैसे आप ये मशीनें ठूस रहे हैं, और अपनी फोटो छपवाई थी आपने सब जगह, 90 करोड़ लोगों को आपने ये जो वैक्सीन से लगवाई थी, 90% लोगों को भारत के, 120 करोड़ से ज्यादा उनके साथ आपने कितना बड़ा अपराध किया था मोदी जी, बगैर टेस्ट किए, क्योंकि आधार वाला से आपको उम्मीद थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आपकी पार्टी को पैसे देगा। अब क्या बोले आपको बताइए, इसके बाद हम आपको ईमानदार कैसे बोले? बिल्कुल, ये वाकई में बहुत गंभीर सवाल है कि किस तरीके से डेटा को छुपाया जा रहा है। वोटर टर्नआउट का जो एग्जैक्ट डेटा है वो अभी तक आया ही नहीं है, और इसके अलावा बड़ा डेटा जो छुपाया गया है कि हर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या है, उसको भी छुपा दिया है। तो सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को निर्देशन दिए गए हैं, या चुनाव आयोग, जैसा महमूद प्राचा ने कहा, कि जानबूझ कर मोदी जी को जिताने में लगा है, क्योंकि हो सकता है कि राजीव कुमार साहब को लालच हो सकता है उनको राज्यसभा का पद मिल जाए, हो सकता है वो गवर्नर बनने की तैयारी कर रहे हो, या फिर वो ये सोच रहे हो कि मोदी जी आएंगे तो है ही। तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।